इसके तहत एलर्जी, सर्दी खांसी जैसे इन्फेक्शन, कसरत, मौसम परिवर्तन, विशेषकर बारिश का मौसम, जैसे कि बारिश जिसमें नमी के कारण हवा भारी हो जाती है, या गर्मियों में हवा में धूल बढ़ जाती है और सर्दियों में परागकण बढ़ने से भी परेशानी होती है, धूल धुआं आने आते हैं, इससे अटैक होता भी जल्दी है और खत्म भी जल्दी होता है। अगर पहले से जलन वगैरह है तो ट्रिगर का दुष्प्रभाव होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी फौरन दमा का अटैक या दौरा हो सकता है। बात करते हैं प्रोत्साहन की। इससे वो चीजें आती है जिनसे वायु नली में जलन आदि होती है। इसमें जो लक्षण उभरते हैं लंबे समय तक चल सकते हैं, इन्हें दूर करने में भी ज्यादा समय लगता है। इसके उभरने के दो कारण होते हैं, एक एलर्जन यानी जिन चीजों से एलर्जी हो, और दूसरा कारण है सांस संबंधी अंगों में वायरल इन्फेक्शन होना। और अब बात करते हैं एलर्जन की। पराग कण इसमें सिर्फ फूलों के ही नहीं पेड़ों में घास के पराग कण भी होते हैं। कुछ पराग कण इतने बारीक होते हैं कि नजर ही नहीं आते, साथ ही ये इतने हल्के होते हैं